अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है आधा लीटर दूध, उसमें 3/4 कप शुगर ऐड करी है और एक कटोरी में हम आधा कप मिल्क लेंगे और 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, इसमें कोई भी लंप ना रह जाए। दूध में उबाल आने के बाद इसको हम धीरे धीरे उसमें ऐड करेंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसको धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी। एक साथ इसको ऐड ना करिएगा वरना इसमें लंप आ जाएंगे, और कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते रहना है। देखिए ये पक के गाढ़ा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के बाद फ्रिज में 2 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए रख देंगे। अब एक बोल में मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम लूँगी और ये चिल्ड होनी चाहिए। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटल की हेल्प से बीट कर लूँगी अच्छी तरह से, जब तक इसमें स्टिप पीक्स नहीं आ जाते। ये देखिए मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको बीट किया है। अब इसमें चिल्ड कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दूँगी। दो घंटे के बाद मैं इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर दूँगी। इस प्रोसेस से इसमें क्रिस्टल नहीं आते हैं बर्फ़ के। अब मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इस कंटेनर को अच्छी तरह सील कर देना है। इसमें कोई एयर बबल ना रहे तो उसको हम थोड़ा टैप कर लेंगे और इसको भी हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं, चेरीज ऐड कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से बनाई है और मैं इसे अब चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस आइसक्रीम बनके तैयार है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।